गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में लोकस की बात की थी, नहीं सॉरी स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल की बात की थी। तो कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था? सर वो सेकेंड लास्ट सम का कैलकुलेशन एरर लग रहा था। अच्छा अभी मुझे वो क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है, बट अगर कैलकुलेशन एरर था तो एक बार कैलकुलेशन सभी लोग चेक कर लेना, सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था। और कोई डाउट किसी को? अच्छा अगर वैसे किसी ने अगर वो कैलकुलेशन करेक्ट कर लिया है ना, तो उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो ग्रुप पे भी शेयर कर देना और लोगों के रेफरेंस के लिए। अभी मैंने कोई कुछ पढ़ाया नहीं है हर्षिल, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोई डाउट है किसी को लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ाया उसमें? ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल की बात की थी। अभी अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, दैट इज लोकस। सो सर इन सरकम सेंटर वी कैन डू ओ इक्वल टू ओबी। सिद्धांत For circumcenter, we use OA equal to OB and OA equal to OC, या फिर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि OA equal to OB and OB equal to OC. Since circumcenter हमने x comma y लिया है, तो हमारे पास दो अननोन है x and y. And to find x and y, we are required exactly two equations. तो अगर हमारी मेन कंडीशन OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है, तो यहां से हमें कोई सी भी दो इक्वेशंस बना लेनी है। तो हमने कहा OA इक्वल टू OB एंड OB इक्वल टू OC बना सकते हो, या फिर OA इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC बना सकते हो। एनी टू इक्वेशंस वी कैन फॉर्म। जो सेकंड लास्ट नहीं सेकंड सम था एरर लग रहा था बिगिनिंग से सेकंड। हाँ सर। ओके एक बार क्वेश्चन का थोड़ा बोलना क्या था वो। ए अरे कोऑर्डिनेट्स है 4,1 और 3,5 और -1,0। फाइंड सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ओके तो सभी लोग एक बार जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर फाइंड करने को बोला था, तो उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो सभी लोग कैलकुलेशन वापस से सॉल्व कर लेना, ठीक है? कंसेप्ट जो वहां पे वो तो अपन ने डिस्कस किया ही था प्रॉपर, तो कंसेप्ट में अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना और कैलकुलेशन तुम लोग करेक्ट कर लेना। लोकस भी जो है वो स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो काफी लेंथी चैप्टर है। अभी अपने आई थिंक 5 लेक्चर्स तो हो गए, 6 लेक्चर है। अभी नेक्स्ट इज लोकस। हां सर, x सेंटर में अपन जो पॉइंट प्लॉट करते हैं x सेंटर का, वो ट्रायंगल से इक्वेशन लेना, वो किससे मतलब x एंड ड्रॉ किया अपन ने a का, हाँ तो वो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा ना? जो ट्रायंगल की तीनों साइड वाली लाइंस हैं ab ac और bc, इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ओके तो मतलब सर तीनों x एंड ड्रॉ इक्विडिस्टेंट होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक चार्टर लगा स्ट्रेट लाइन सिंगस्टिंडा वेरी सस्ता अड़ोता। अभी शुरू करें नेक्स्ट। सर ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज? नहीं स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है लोकस। सर मतलब न्यू टॉपिक है ना पहले? हाँ। लास्ट क्लास में हमने स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल की बात की थी, नाउ विल डिस्कस। हाँ मैं आज भी नोट्स भेज दूंगा, बट मैंने अभी यही बोला था कि सभी लोग जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं वो सॉल्व जरूर करना, ठीक है? लोकस क्या है जैसे हमने अभी एक बार समझते हैं, फिर बाद में मैं इसका सारा नोट कर दूंगा। लोकस क्या है कि जैसे हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर एग्जांपल x plus y equal to 5 ये डिस्कस की, हम बाद में जब और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सर्कल की इक्वेशन x square plus y square plus 4x minus 5y minus 7 ऐसे इस टाइप की होती है। पैराबोला की इक्वेशन y square equal to 4x इस टाइप की होती है। तो ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं ये एक्चुअली एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस है। वेरिएबल पॉइंट के लोकस का मतलब कि वो वेरिएबल पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन है। तो एक वेरिएबल पॉइंट की जो इक्वेशन है उसको अपन बोल रहे हैं लोकस।
तो यहाँ पे डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑन विच अ वेरिएबल पॉइंट मूव्स एज पर गिवन कंडीशंस. इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑन विच अ वेरिएबल पॉइंट मूव्स एज पर गिवन कंडीशंस. ठीक है, अब ये जो है अभी मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक चीज आप हेड टू एंड और नोट कर लेते हैं कि स्टेप्स टू फाइंड लोकस. क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन में ये बोलेगा कि एक वेरिएबल पॉइंट होगा, उस पे सर्टेन कंडीशंस होंगी और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें उसके लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी होगी. ओके दाक्ष, अगर तुम्हें हैंड टू हैंड नोट करना है तो तुम नोट कर लेना पीडीएफ में ही. नहीं हर्षिल, वो जो एग्जांपल थे वो तो मैंने बस क्लास नोट्स के लिए नहीं थे, वो चीजों को समझाने के लिए थे जो अपन ने फर्स्ट पीडीएफ डिस्कस किया था. स्टेप्स टू फाइंड लोकस, फर्स्ट स्टेप टेक द वेरिएबल पॉइंट एस पी एच कॉमा के. स्टेप टू अप्लाई गिवन कंडीशंस एंड एल ओ सी यू एस लोकस. सिंप्लीफाई इट एंड थर्ड लास्ट इज रिप्लेस एच विद एक्स एंड के विद वाई. ये सिंपल सी स्टेप्स हैं किसी भी वेरिएबल पॉइंट का लोकस फाइंड करने में. हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है तो इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें दिखा सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर आगे वाले क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना. जैसे क्वेश्चन इज कि फाइंड लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट. सर हाँ तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लाइक व्हाट डज अ वेरिएबल पॉइंट मीन एग्जैक्टली, तो समझा नहीं मुझे. अभी क्वेश्चन देखो समझ आ जाएगा. Which moves in a plane such that its distance from a fixed point 2, 3 is always equal to y. अभी हमें मान लेते हैं लोकस का बिल्कुल आइडिया नहीं है. ठीक है, तो तुम लोग ये बताओ इस क्वेश्चन को रीड करके कि जो ये वेरिएबल पॉइंट है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम बना लेगा. अहान और राहुल दो लोगों ने बोला है, और लोग भी देखो. वेरिएबल पॉइंट जब मूव करेगा गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो जो शेप बनेगा, जो फिगर बनेगा वो क्या होगा. तो हाँ, तो सभी लोगों ने बोला सर्कल. तो यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट 2, 3 गिवन है वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और जो डिस्टेंस 5 गिवन है वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा, और जिस पाथ पे वेरिएबल पॉइंट मूव करेगा वो शेप या वो फिगर जो है वो एक सर्कल का फिगर होगा. तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो अब देखो कि लोकस का प्रॉपर मीनिंग समझ आएगा. यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर जो एक एक्स और वाई में रिलेशन होगा वो सर्कल की इक्वेशन आएगा. तो क्वेश्चन ने जो कंडीशन बोल रखी है कि एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस तरह से मूव कर रहा है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट है इक्वल टू 5 है. तो मान लो फिक्स पॉइंट इस तरह से है और डिस्टेंस जो 5 है वो इतनी है, तो इसका मतलब कि जो वेरिएबल पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर सकता है. ये सर्कल मान लेते हैं. ठीक है, कि इस वेरिएबल पॉइंट को यहां पे भी रख लोगे तो भी डिस्टेंस 5 है, यहां रख लोगे तो भी डिस्टेंस 5 है, यहां रख लोगे एंड सो ऑन.
तो ये जो हम लोकस फाइंड करेंगे वो एक सर्कल की इक्वेशन आएगी, ये तो इसका मीनिंग है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व करने को बोलेगा, तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए जो मैंने भी स्टेप्स लिखी हैं वो स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कि लेट द वेरिएबल पॉइंट बी एच कॉमा के, लेट द वेरिएबल पॉइंट बी पी एच कॉमा के। क्वेश्चन ने मैथमेटिकल कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम इस वाले पॉइंट को ए नाम दे देते हैं तो क्वेश्चन ने बोला है कि पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पी ए डिस्टेंस इक्वल टू 5 करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। पी वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से कि एच कॉमा के लिया था, और ए वाला पॉइंट 2.3 क्वेश्चन ने बता रखा है। तो ये हो जाएगा एच माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। लोकस के जो हमने स्टेप्स लिखे हैं उन स्टेप्स में उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो जो गिवन पॉइंट है उसको एच कॉमा के एज्यूम कर लो, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन ने कंडीशंस बोल रखी हैं उन कंडीशंस को अप्लाई कर लो। तो हमने पी ए इक्वल टू 5 कंडीशन को अप्लाई किया मैथमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर लो, और लास्ट स्टेप में जाके एच की जगह एक्स और के प्लेस पे वाई रिप्लेस कर दो। तो अभी नेक्स्ट में ये हमने मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई कर दी, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ओपन भी कर लिया, ये हो गया 9 + 4 = 13, 13 - 25 = 12, और सबसे लास्ट में h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस कर दिया, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखना लोकस फाइंड करना ऑलवेज इतना ही सिंपल रहेगा, कुछ खास टफ इसमें बनता नहीं। हम ऑल दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी देखेंगे, लेकिन ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है लोकस फाइंड करने का। तो स्टेप अगेन कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरिएबल पॉइंट है उसको एच कॉमा के ले लिया। सेकंड, क्वेश्चन ने डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है, तो हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया, और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ लोगों को प्रॉपर सारा कुछ समझ आ गया हो, बट जो भी है एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट व्हिच मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इट्स perpendicular distance from x-axis is always equal to its distance from point 1, -3। सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर मैं लास्ट वाली स्लाइड करूंगा अभी। तो ये क्वेश्चन में जो डेटा है वो नोट कर लो, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट व्हिच मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, -3, और मान लिया इस पॉइंट का नाम अगेन ए है। नहीं, डायग्राम तो जो भी बनेगा, लोकस फाइंड करने का मतलब हमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है, शेप नहीं। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर अपना ये था, हमने आंसर में सर्कल है ऐसा नहीं बोला, अभी तो हम सर्कल्स और पैराबोला वगैरह बाद में पढ़ेंगे। तो हमें तो बस इक्वेशन यानी कि एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। सर कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड वंस, आई जस्ट विल कॉपी द प्रीवियस सॉल्यूशन वंस। सर सर जो लाइन पे पार्टिकल घूमता है
उसको अपन लोकस, उसका इक्वेशन जो लाइन का इक्वेशन होगा उसको लोकस बोलेंगे ना. हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी इक्वेशन है चाहे वो लाइन का है चाहे वो कर्व का है, वो सारी इक्वेशंस लोकस ही हैं किसी वेरिएबल पॉइंट का. हाँ मतलब वो जो भी लाइन मतलब पांच पे घूमेगा वो पांच का इक्वेशन है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर इज दिस स्लाइड 1? हाँ दिस इज फर्स्ट स्लाइड. सर व्हाट इज द सर लेट दी के बाद क्या लिखा आपने सॉल्यूशन में? लेट द वेरिएबल पॉइंट सॉल्यूशन में लेट द वेरिएबल, हाँ यहाँ भी वेरिएबल ले कंप्लीटली लिखा वेरिएबल पॉइंट डी टी एच कॉमा टी. डन सर. ओके तो लोकस का मीनिंग क्या है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन ऑलवेज इस फॉर्म में बोलेगा कि हमें एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जैसा कि इस क्वेश्चन ने बोला. फिर क्वेश्चन खुद कोई ना कोई कंडीशन देगा कि वो पॉइंट जो है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है. यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो ये गिवन है. तो हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप कि उस वेरिएबल पॉइंट को हम एच कॉमा के एज्यूम कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप तो ये है लेट द वेरिएबल पॉइंट बी एच कॉमा के. उसको नाम हमने पी दे दिया. अब सेकंड स्टेप है कि हम इसकी जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो अप्लाई कर देंगे. मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करने के बाद अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन करने हैं तो कर लो. और लास्ट स्टेप में हम h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y रिप्लेस कर देंगे. ठीक है तो अभी क्वेश्चन की कंडीशन थी कि इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो बताना h, k पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 3. नहीं नहीं h, k की बतानी है मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट h है y कोऑर्डिनेट k है. 1.3. नहीं तुम क्वेश्चन नहीं. हाँ ये सेकंड स्लाइड है नहीं कि हर्षिल मैं अभी इस बात पे आऊंगा कि हम डायरेक्टली x y क्यों नहीं ले रहे हैं. हाँ अब देखो आहान और रस्टी ने, आहान ने बोला है k और रस्टी ने बोला h. तो अब दोनों लोग देखो कि h आएगा कि k आएगा. दक्ष ने बोला है k, नंदिनी ने बोला है h. अरे अभी के के वाले ज्यादा हो गए. हाँ तो देखो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी और y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी. और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि अगर हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो हमें ऑलवेज मॉड लगा देना चाहिए. तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ k. ठीक है हमें ये नहीं बताना कि k तो एक वेरिएबल है. तो k तो जैसे हम a वाले पॉइंट की बात करते तो डिस्टेंस को -3 थोड़ी बोलते, डिस्टेंस को तो +3 बोलते. तो हम ऑलवेज डिस्टेंस को मॉड लगा के बोलेंगे. तो डिस्टेंस ऑफ p h कॉमा k फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ k. सिंस कई सारे लोगों ने इसमें थोड़ी मिस्टेक की थी तो मैं इस स्टेटमेंट को भी लिख देता हूं प्रॉपर कि डिस्टेंस ऑफ p from x axis is equal to mod of k distance of p from a point is equal to root over h minus 1 whole square plus k plus 3 whole square. And question ne in dono ko equal karne ko bola hai. To question ne mod of k is equal to root over h minus 1 whole square प्लस के प्लस 3 होल स्क्वायर. ठीक है ये हो गई मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई. अब सिंपलीफिकेशन में वही स्क्वायरिंग कर लो और लास्ट स्टेप में जाके के और एच के प्लेस पे एक्स, के प्लेस पे वाई रख दो. तो ये सारा देख लो, नोट कर लो और फाइनल आंसर तुम लोग लिख लो अपने नोटबुक में अगर तुमने कुछ सॉल्व किया है तो. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं. किसी को इस स्लाइड में कुछ पूछना है? हां सर सर मॉड का होल स्क्वायर इज k स्क्वायर ओनली नो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके सर वो स्टार्टिंग का बताना कैसे करना है स्टार्टिंग का इस क्वेश्चन में या क्या पूछ रहे हो ये क्वेश्चन में सर? तो देखो सबसे पहला स्टेप तो ये है. ठीक है यस सर.
हमने जो अभी स्टेप्स लिखे थे उसमें फर्स्ट पॉइंट यही बोला था, सेकंड बोला था कि जो भी मैथमेटिकल कंडीशन क्वेश्चन ने बोला उसको अप्लाई कर दो, तो क्वेश्चन ने इन दोनों को इक्वल करने को बोला था, तो हमने पहले जस्ट की बात में क्लियर रहे इनको अलग अलग लिख लिया और फिर इनको इक्वेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में तो बस सिंप्लीफाई करना है और स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, तो यहाँ तो हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एच माइनस वन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा के प्लस थ्री स्क्वायर, ओपन कर लिया। सर एक डाउट हो रहा है कि वो h को k से क्यों रिप्लेस, x से क्यों रिप्लेस करते हैं हम k को, एक मिनट मैं एक बार आंसर लिख देता हूं, तो आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। रिप्लेस इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे जो हमने जो स्टैंडर्ड सिस्टम लिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्लेन लिया हुआ है, वो एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है, इसका मतलब कि हम वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे सारे आंसर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई ही आने चाहिए, जो ये बस स्टैंडर्ड लिया है, मतलब मैथमेटिकल इसका कोई मीनिंग नहीं है, स्टैंडर्ड सिंस एक्स वाई लिया हुआ है तो हम आंसर को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। सर आपने थर्ड स्टेप में इसको इक्वेट क्यों किया, मतलब तो क्वेश्चन है बोला है, क्वेश्चन पढ़ो सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ओनली वाई कोऑर्डिनेट, मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, राइट। ओके सर, तो आपने बोला ना कि भी एच और के ले सकते हैं अपन, तो अपन एक्स वाई ले सकते हैं, नहीं अभी मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं ले सकते। यहाँ पे जो हर्षल ने डाउट पूछा है ये और लोगों के माइंड में भी आ सकता है, अभी नहीं आया तो बाद में आ सकता है, कि हमने जब क्वेश्चन को शुरू किया तो एच कॉमा के लिया और सबसे लास्ट में जाके उसको एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर दिया, तो हम डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही एक्स कॉमा वाई क्यों नहीं ले लेते, हम ऐसे दो बार स्टेप्स को क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है कि हम बिगिनिंग में ही एच कॉमा के प्लेस पे एक्स कॉमा वाई क्यों नहीं ले रहे, बाद में जाके क्यों ले रहे हैं, अभी आंसर आ जाएगा इसका। बट अभी हम पहले लोकस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। क्वेश्चन हम पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, इट इज अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज मूविंग ऑन दैट पाथ ना, और हमने पाथ के इक्वेशन निकाल लिया, मूव तुमने वर्ड खुद में यूज किया कि पॉइंट मूविंग, अगर पॉइंट मूव कर रहा है तो वेरिएबल हो गया ना, अगर पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। यस सर, ठीक है। अच्छा तो वो ही ना, वो पॉइंट पाथ बना रहा है। हाँ, उसी वो का पाथ का, हाँ, बिल्कुल 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 करेक्ट। y स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया ना, एक का k स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया, सर पॉइंट इन क्या y है ना वो, हाँ ये x y प्लेन, फाइंड लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट इन x y प्लेन व्हिच मूव्स अस दैट sum of its particular perpendicular distances from both the coordinate axes is always equal to 5, from both the coordinate axes is always equal to 5. Definitely show the last slide. Okay, पहले सभी लोग ये वाला question note कर लो। तो last वाला question जो तुम्हें solve करना है, उसमें क्या है condition? कि sum of its perpendicular distances from both the side is equal to 5. सर ये पूरे ग्राफ के लिए इसकी खाली चार ही पोजीशन होगी ना? नहीं, एक अब ये तुम सॉल्व करो पहले, तो मैं ज्योमेट्रिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मैथमेटिकली इसका लोकस का आंसर फाइंड करो। सर ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया ना, छोटा तो हो गया लेकिन आंसर तो बताओ। सर x plus y minus 5 is equal to 0। नहीं कर दी ना मिस्टेक, इसलिए तो दिया था।
सो एक बार आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हो। मैंने भी जैसे बोला कि मैं वैसे ये सारे के सारे जो पीडीएफ है शेयर कर दूंगा, तो अगर बाय चांस तुम्हारा कुछ नोट करने से रह गया है तो फिर बाद में नोट कर लेना। अभी आगे बढ़े हो गया सर। यस सर, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स प्लस माइनस फाइव होगा ना? लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, मैं एक बार वापस से जा रहा हूँ लास्ट साइड पे। सभी को ये चीज क्लियर है, लास्ट वाला जो सॉल्यूशन है? और इसमें मैं ये इसलिए शो कर रहा हूँ बिकॉज अगर किसी ने नोटिस नहीं किया है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और इसमें भी मुझे पर्टिकुलरली कौन सा पॉइंट हाईलाइट करवाना है? ये वाला पॉइंट। अरे यार, मुझे हाईलाइट क्या कराना है? ये कि हमने यहाँ पे मॉड यूज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आंसर बोला था अहान ने, उसमें भी उसने मॉड यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेट द वेरिएबल पॉइंट बी पी एच कॉमा के, एच कॉमा के का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मॉड ऑफ के होगा, एच कॉमा के का वाई एक्सिस से डिस्टेंस मॉड ऑफ एच होगा, और इन दोनों का सम क्वेश्चन ने फाइव बोला है। तो हमारे लोकस का आंसर मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, या मॉड ऑफ एक ही बात है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू फाइव, ये आ जाएगा। बट आंसर में मॉड आएगा। अभी सबको क्लियर है? और इस पूरे सॉल्यूशन में कुछ पूछना है किसी को, पहले तो ये बताओ। सर हम डिस्टेंस लिखते हैं तो उसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करेगा मतलब? सर अभी मैं ग्राफ की बात करूंगा ना, तुम एक बार ये मैथमेटिकल तो बताओ, कुछ डाउट है किसी को? सर एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो ना। क्वेश्चन ने बोला है कि एक वेरिएबल पॉइंट है जो एक्स प्लेन में मूव कर रहा है, एंड कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन पे? दैट सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे हमने कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, तो इस एच कॉमा के का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये मॉड ऑफ एच होगा, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये मॉड ऑफ के होगा। तो मॉड ऑफ एच और मॉड ऑफ के का जो सम है वो क्वेश्चन ने फाइव रखने को बोला है। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन क्वेश्चन अप्लाई करने को बोला है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने को कुछ था नहीं, तो हमने डायरेक्टली एच के प्लेस पे एक्स और के प्लेस पे वाई रिप्लेस कर दिया। ठीक है सर? हाँ यार, वी आर बेसिकली फॉर्मिंग अ सर्कल राइट? नहीं, ये सर्कल नहीं है। अभी मैं ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा वेट करो थोड़ा। बट मैथमेटिकली अभी कोई सबको क्लियर है ना? मैं ज्योमेट्रिकली क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज कई बार क्वेश्चन जो है, हाँ राहुल ने सही बोला, इट इज ए स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली कई बार क्वेश्चन में क्या है कि ये भी पूछता है एक्स्ट्रा, अगर मान लो क्वेश्चन को पूछना है कि जो लोकस बनेगा उस लोकस का एरिया भी बताओ। ठीक है, तो हमें अभी इसको ड्रॉ करना है। अगर तुमसे ये बोला जाए, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, कि अगर तुमसे ये बोला जाए कि लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, मॉड नहीं है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, इसको ड्रॉ करो, तो सभी लोगों को ड्रॉ करना आता है? बेसिक मेथड क्या होता है कि हम एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू फाइव मिल जाएगी, तो हमने जीरो कॉमा फाइव पॉइंट मार्क कर लिया। वाई के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइव मिल जाएगी, तो फाइव कॉमा जीरो पॉइंट मार्क कर लिया। इन दोनों को ज्वाइन किया और फिर लाइन को एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज लाइन है। ठीक है, ये तो हमने लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव बना ली, बट इन दिस क्वेश्चन तो हमें मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू फाइव ड्रॉ करना है। तो मॉड की वजह से चेंज क्या होंगे, उसके लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू फाइव। तुमने जब पहले पढ़ा था मॉड, मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया है ना? तो जैसे मान लो कैसे होता है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, और इसको डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब मॉडुलस साइन हटाते कैसे हैं? वन एंड माइनस टू, वन एंड माइनस टू, डिवाइड इनटू अपर पॉसिबिलिटीज। हाँ, थ्री केसेस ले लेंगे अपन कि एक्स इज लेस देन माइनस टू, एक्स माइनस टू से लेके वन तक, एंड थर्ड केस एक्स इज ग्रेटर देन वन। हम केसेस लेके सॉल्व करते हैं। तो हमने केसेस एक्चुअली कौन से पॉइंट्स पे लिए?
जिन पॉइंट्स पे मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू वन पे केस लेंगे और इस मॉड की वजह से x इक्वल टू माइनस टू पे केस लेंगे। तो बिल्कुल सेम चीज हम इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। यहाँ पे मॉड किस पे है, एक तो x पे है, तो हमने केस लिया कि x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, केस वन लिया। इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव देन गिवन इक्वेशन बिकम्स x प्लस y इक्वल टू फाइव। समझ आ गया? यस सर, जीरो वाला केस लिया ना आपने, जीरो लाइन पे प्लॉट की। हाँ, इफ x, हम तो बस ये कह रहे हैं कि जो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन जब जीरो होगा उसके अराउंड केसेस लेने हैं। तो हमने जैसे x पॉजिटिव y पॉजिटिव लिया। सेकंड केस, अगर मैं x पॉजिटिव y नेगेटिव लेता हूं तो बताना ये वाली जो इक्वेशन है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 5, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? x माइनस y इक्वल टू 5। ये भी सबको समझ आ रहा है? इस तरह से मैं सारे सिचुएशंस लिख देता हूं। माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव। तो सबको मॉड डिफाइंड ना तो आता ही ऑलरेडी। अब हमें इनको ड्रॉ करना है। अब एक बार ढंग से देखना कि ये तो है एक्स और वाई एक्सिस। हमने जो ये फर्स्ट केस लिया है, ये वाला केस, ये हमने बोला है कि ये हम तभी ले रहे हैं व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। इसका मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? इसका मतलब कि हम लाइन जो बनाएंगे वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे, यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन ही बनेगा लाइन का, कंप्लीट लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि ये केस ही तब लिया गया है व्हेन एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही जो सेकंड केस है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड केस सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो, अगर तुम कंप्लीट लाइन बनाते ना सेकंड केस की, तो कंप्लीट लाइन तो ये बनती, लेकिन हमें ओनली ये वाला पोर्शन ही ड्रॉ करना है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक अप है। तो तुम मुझे इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में जब आगे वाले केस 3 और केस 4 को लेकर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज माइनस फाइव एंड दिस पॉइंट इज माइनस फाइव कॉमा जीरो। अभी एक बार मैं डाउट्स लूंगा, लेकिन हमने कहा सबसे पहले तो हमने मॉड को डिफाइन कर लिया, उसके बाद अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, उन क्वाड्रेंट्स में लाइन के पार्ट्स जो भी बन रहे हैं उनको हमने ड्रॉ कर लिया। तो अभी जो रेड में मैंने बना रखा है, ये जो रोम्बस दिख रहा है, ये इसका ग्राफ है और ये रोम्बस स्क्वायर है। देखो समझ आ गया क्या सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमको वाई पॉजिटिव चाहिए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट तक लाइन को खींच ले दे सकते हैं ना? नहीं, हमें बीच में हमने एंड वर्ड यूज किया है। सेकंड क्वाड्रेंट का तो ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा। सर नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो वाई पॉजिटिव है ना, एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हां, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है बिकॉज़ इस रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं। अगर मान लो अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि एरिया क्या होगा इस स्क्वायर का, बताओ। 25। कैसे? सभी लोग इस स्क्वायर का एरिया बताओ। 12.5। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए बोल दिया 25, बी बोल दिया 12.5, और कुछ? सर वन से 10 बोलते जाओ तुम तो, मैं तो लिख रहा हूँ बस सारे ऑप्शंस, चार ऑप्शन बनाने हैं। 25 ऑलरेडी बन गया। सर 50 स्क्वायर, चार ऑप्शन हो गए। अब और सभी लोग एक बार जल्दी से ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा इन चारों में से। चारों में से ही आंसर है, कौन सा आंसर है? 25 बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो 25 आ कैसे रहा है? 50 आएगा ना आंसर। अगर तुम्हें मान लो बिल्कुल बेसिक मतलब एरिया का, चलो हम स्क्वायर के एरिया की बात नहीं करते, लेकिन ट्राइंगल का एरिया तो सबको आता ही आता है कि हम अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें तो इसका 4 टाइम्स टोटल एरिया हो जाएगा। तो 4 इंटू जो शेडेड ट्राइंगल है उसका एरिया
हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से 50 आ रहा है, ठीक है। सेकंड मेथड कि हम अगर स्क्वायर की साइड लेंथ फाइंड करेंगे, तो जो स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो ये है, और ये साइड लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से जब कैलकुलेट करोगे तो ये 5√2 आएगी। 5√2 का स्क्वायर भी 50 हो जाएगा, कुछ भी है एरिया जो है वो 50 आएगा। तो यहाँ पे अब हमने तीन पॉइंट्स डिस्कस किए। तीन पॉइंट्स क्या, कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इनको डिफाइन करने के लिए क्या करना है। तो हमने कहा कि हम जैसे मॉड को डिफाइन करने के लिए केसेस लेते हैं, वैसे ही केस ले लेंगे, और फिर जो लाइंस बनेंगी उन लाइंस का सिर्फ वो पार्ट यूज करेंगे जो केस की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिचुएशन में एक्स पॉजिटिव है एंड वाई पॉजिटिव है, तो हमने ओनली ये जो ब्लू में मैंने लाइन बना रखी है ये वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड थर्ड एंड फोर्थ केस में। सेकंड चीज हमने डिस्कस की कि ये जो रोम्बस अभी दिख रहा है वो स्क्वायर है, और ऐसा तब और उन सारे केसेस में स्क्वायर बनेगा जब भी एक्स और वाई का कोफिशियंट सेम है। अगर मान लो तुमसे ये बोल दिया जाए ना कि 3 mod of x + 4 mod of y = 12, इसको ड्रॉ करो, तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये रोम्बस तो बनेगा लेकिन ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के जो कोफिशियंट हैं वो अलग अलग हैं। थर्ड चीज कि अगर हमने इस तरह से एक रोम्बस या स्क्वायर बना लिया तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके इसको 4 times कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट ट्राई कर देता हूँ और बोलो तुम्हारा जो भी तुम्हारा डाउट है। सर वो नंबर लाइन पे केसेस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है ही नहीं कोई टर्म, लाइक हम जब x माइनस 1 मॉड लेते तो हम 1 प्लॉट करते हैं ना नंबर लाइन पे, या तो 0 0 है। हाँ, वो तो क्या था कि वहां पे y इन टर्म्स ऑफ x ओनली लिखा होता था और x में ही मॉड होता था x के किसी एक्सप्रेशन पे जब तुमने मॉड पढ़ा था। अभी ये वाला किया है, इसमें तो क्या है कि मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y, x और y दोनों पे मॉड है। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिक रूल ये है कि नंबर लाइन की बात ही मत करो, हम बेसिक रूल की क्या बात कर रहे हैं कि जिस एक्सप्रेशन पे मॉड है, मतलब कि मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो हमें x इक्वल टू जीरो और दूसरे वाले मॉड से y इक्वल टू जीरो मिल गया। अब इनके अराउंड केसेस ले लो, अराउंड का मतलब कि ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, तो टू केसेस यहां से, टू केसेस यहां से, तो 2 × 2 = 4 केसेस बन गए। जस्ट समझाने के पर्पस मैं बोल रहा हूं कि हैड इट बीन मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो फिर हम केसेस जो लेते वो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3 के अराउंड लेते। और अराउंड का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट केस होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, सेकंड केस होता x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 एंड सो ऑन। अच्छा सर, हमको जो दिया था मॉड्यूलस चैप्टर में उसमें सिर्फ x के टर्म्स में था मॉड, हां वो ओनली इन टर्म्स ऑफ x था, तो ये मैन्युअली करना पड़ेगा ना फिर ये बात। हां मतलब ये दोनों के लिए हमें अलग अलग केस लेने होंगे। हाँ सर, सर नहीं है सिद्धांत वेवी कर में अभी हमने ये कहा ना कि वहां तो क्या है कि तुम नंबर लाइंस पे उन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हो जहां पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स जीरो हो रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मॉड एक्स की टर्म्स में ही थे, तो एक्स की वैल्यूज हमने उस नंबर लाइन पे मार्क कर ली। लेकिन इन दिस सिचुएशन एक मॉड एक्स पे है और एक मॉड वाई पे है, तो यहाँ पे हम नंबर लाइन की बात नहीं कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बाय चांस कोई पॉइंट ऐसे है कि 2, -7, तो इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ -7 होगा और y एक्सिस जो डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ 2 होगा, तो ये नंबर 2 आ गया और ये नंबर 7 आ गया, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही आनी चाहिए। सर कैन यू प्लीज शो प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं शेयर कर दूंगा तुम्हें, अभी मैंने बोला ना। सर अभी नोट कर लेते ना, बाद में जो टाइम लगता है। तो लोकस में अपन को बेसिक में
कि हमने जो भी वेरिएबल पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको एच कॉमा के ले लेना है. फिर सेकंड स्टेप कंडीशंस जो भी दे रखे हैं वो अप्लाई करनी है. थर्ड स्टेप सिंप्लीफाई करना है अगर कुछ करना है तो. एंड लास्ट स्टेप एच के प्लेस पे एक्स और के प्लेस पे वाई. अब ये एक क्वेश्चन बचता है कि हम ये एक्स वाई क्यों नहीं ले रहे, एच के क्यों ले रहे हैं. ठीक है, उसके लिए मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ. न्यू व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन. फाइंड लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज ओरिजिन, ए एंड बी लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन ए बी पासेस थ्रू पॉइंट से 3.4. अभी क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, तो तुम एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, समझो क्या कह रहा है. पार्शियल वी पुट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन. हाँ बिल्कुल ठीक है. लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज ओरिजन, ए एंड बी लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो एक बार तुम लोग डायग्राम बनाना ट्राई करो इस क्वेश्चन का कि कहाँ वो ट्राइंगल ओ ए बी बन रहा होगा. तो इस तरह से ट्राइंगल ओ ए बी बनेगा, ए एंड बी आर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ओ इज ओरिजन. ठीक है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, कल डिस्कस किया था सर, वो जो 90 वाला सर्कम सेंटर. 90 वाला तो ऑर्थो सेंटर होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस. मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो इन दिस केस हाइपोटेन्यूस इज ए बी. तो ये वाला जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट जिसको हम अब पी बोल देते हैं, इसका हमें लोकस चाहिए. तो जिस पॉइंट का लोकस है उसे हमें एच कॉमा के मान लिया. हम बोल रहे हैं कि पी इन दिस केस सर्कम सेंटर है और इसका हमें लोकस फाइंड करना है. मैं वापस लिखता हूं, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, अगर हमने पी को एच कॉमा के लिया है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ एच कॉमा के क्या हो जाएंगे. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ एच कॉमा के 2h, 0. हमने ये आई थिंक एक क्वेश्चन में पहले डिस्कस भी किया था, बड़े बार वापस से देखो कि अगर हम मान लेते हैं कि ए वाला पॉइंट कुछ ए कॉमा जीरो है क्योंकि x एक्सिस पे है, बी वाला पॉइंट 0, b है क्योंकि y एक्सिस पे है, तो हम ए और बी का मिड पॉइंट इक्वल टू एच कॉमा के करेंगे. तो जब कैलकुलेशन करी तो एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 2h आ गई और बी की वैल्यू 2k आ गई, यानी कि पॉइंट ए बिकम्स 2h, 0 एंड पॉइंट बी बिकम्स 0, 2k. यहां तक की कैलकुलेशन देखो सभी को समझ आ गई. अगर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम लाइन ए बी की इक्वेशन लिख सकते हैं, और सिंस ए और बी यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट्स हैं तो लाइन ए बी की इक्वेशन x अपॉन 2h प्लस y अपॉन 2k इक्वल्स टू 1 हो जाएगी. लाइन ए बी की इक्वेशन x अपॉन 2h प्लस y अपॉन 2k इक्वल्स टू 1 हो जाएगी. एक बार देखना यहां तक जो मैंने बताया है सारी चीजें क्लियर है क्या. सबसे पहले हमने बोला कि सर्कम सेंटर सिंस राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, उसको अपन ने एच कॉमा के एज्यूम कर लिया. सेकंड चीज बोली कि इफ मिड पॉइंट इज एच कॉमा के और ए और बी को हमने ए कॉमा जीरो जीरो कॉमा बी ले लिया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करने से ए इक्वल टू 2h और बी इक्वल टू 2k आ रहा है. इनको यूज किया तो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए या फिर डायरेक्टली डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन मिल गई. ठीक है, और अब जो पहले मैंने बोला था ना क्वेश्चन कि हम डायरेक्टली एच कॉमा के प्लेस पे एक्स कॉमा वाई क्यों नहीं ले रहे, समझ आ गया होगा. अगर हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक्स वाई लिया होता तो यहाँ भी ऑलरेडी एक्स है
और फिर नीचे भी x आ जाता है h की जगह पे, तो वो x x लगता कि सेम है, कैंसिल हो जाएगा। बट वो ये x तो लाइन की इक्वेशन का x है और ये h जो है वो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, समझ आ रहा है? तो अगर हमने h को मान के लिया होता तो यहाँ भी h सॉरी x और y आता और नीचे भी x और y लिख देते, तो वो फिर कैंसिल हो जाते, जो हमें नहीं करना है। तो हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ ए बी अभी x अपॉन 2h प्लस y अपॉन 2k इक्वल्स टू 1 है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है वो 3,4 से पास कर रही है, इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3,4 तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब x के प्लेस पे 3 रखेंगे और y के प्लेस पे 4 रखेंगे और फिर जो लोकस है वो आंसर 3/2x प्लस 4/2y इक्वल्स टू 1 आएगा, कि सबसे लास्ट में जाके हमने x की जगह h की जगह x, y की जगह k रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सर व्हाट यू सेड नाउ अबाउट x एंड x आई गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, हमने कहा कि अगर हमने इस h कॉमा k की जगह x कॉमा y यूज किया होता तो फिर यहां भी x आ रहा है और यहां भी x आ जाता, h की जगह x आ जाता, फिर ये x मतलब ऐसे आ जाता, फिर x अपॉन 2x प्लस y अपॉन 2y इक्वल टू 1, तो फिर तो लगता कि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते तब तो कुछ लोकस मिलता ही नहीं, ऐसे आ जाता कुछ। ठीक है, तो इसलिए हम h कॉमा k लेते हैं जिससे कि वो कैंसिल नहीं हो। बाद में हम h कॉमा k को x और y कर देंगे। नहीं, वो सबसे लास्ट वाले स्टेप है, हमने कहा ना कि वो सबसे लास्ट में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम स्टैंडर्ड आंसर में वेरिएबल्स को एक्स वाई रखते हैं, अदरवाइज कोई प्लेन एक्स वाई मतलब कोई मतलब सिस्टम ऐसे बोल दे कि जो प्लेन है वो स्टैंडर्ड अपना एक्स वाई प्लेन नहीं है, वो प्लेन अपना एच के प्लेन है, तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ एच और के आ जाएगा। वो प्लेन अगर पी क्यू प्लेन है तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ पी कॉमा क्यू आ जाएगा, इस तरह से। बट स्टैंडर्ड वेरिएबल्स को एक्स वाई लिया हुआ है। एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड कर देता हूँ, किसी ने अभी बोला था सर। हाँ, कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन? फाइंड तो कर सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन ने एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है तो अपन एलसीएम ले लेंगे, अदरवाइज इस फॉर्म में अगर गिवन है तो इस फॉर्म में ले लेंगे। इफ वी सॉल्व फर्दर वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक। हां बिल्कुल, सेकंड डिग्री का एक कर्व बन जाएगा सॉल्व करेंगे। तो सर अगर स्टैंडर्ड नहीं करना होगा तो चलेगा ना 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1? नहीं 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 चलेगा ना, क्योंकि वो x तो अलग था और h अलग था, x तो लाइन की इक्वेशन वाला x था और h जो है वो हमने जो पॉइंट माना था उसका x कोऑर्डिनेट है, तो हमें अलग ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये बोलता ना कि h के प्लेन में बनाओ तो फिर हमें वो वेरिएबल पॉइंट को p कॉमा q लेके सॉल्व करना पड़ता, हम स्टैंडर्ड वेरिएबल से अलग ही लेंगे ऑलवेज पॉइंट। अच्छा, वो दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट है। हाँ सर, फिर हमने इक्वेशन किसका निकाला, लाइक कौन सा पाथ का इक्वेशन निकाला यहाँ पे इस सम से? मतलब ये कोई एक कर्व बन रहा होगा जो हमने फाइनल आंसर फाइंड किया है। ये अब जैसे ये जो लाइन है ए बी लाइन जो तुम्हें दिख रही है इस प्लेन में, इस डायग्राम में, ये ए बी लाइन फिक्स, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं। सर एक सेकंड, मतलब सर वो पी मिड पॉइंट है और 3,4 भी वो पॉइंट वो लाइन पे है ना? हाँ, मतलब 3,4 यहाँ पे कहीं होगा इस तरह से। सर क्योंकि सर्कम सेंटर तो फिक्स्ड होता है ना और पॉइंट 3,4 भाई मैं बता रहा हूँ, भाई मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे है कि ये तो एक्स वाई प्लेन है और ये वो फिक्स पॉइंट था जिससे वो लाइन पास कर रही है, लेकिन अब इस लाइन से तो इस पॉइंट से तो ये वाली लाइन पास कर सकती है, ये वाली लाइन पास कर सकती है, ये लाइन पास कर सकती है, ऐसे बहुत सारी लाइन पास कर सकती है। जब अलग अलग लाइंस पास करेंगी तो अलग अलग ट्रायंगल के सर्कम सेंटर, जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर यहां पे कहीं आएगा, जो ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मान लो यहां पे कहीं आएगा, जो ये थर्ड ट्रायंगल बन रहा है
तो मैं ये बस बोल रहा हूँ कि अभी इस तरह से हम जब अलग अलग ट्राइंगल्स बना रहे हैं तो इनके सभी के सर्कम सेंटर्स भी अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, इसका मतलब कि अब सर्कम सेंटर वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये मूव कर रहा है कुछ लाइन की पोजिशन के अकॉर्डिंग, तो उस करके तो कर्व जैसा कुछ आ जाएगा ना, कर्व जैसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन ही है, बस एक वर्ड चेंज करता हूँ कि फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ओएबी वेयर ओ इज ओरिजिन। आगे का पूरा क्वेश्चन सेम है, ए एंड बी लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस and line AB passes through 3, 4। ठीक है, तो मैं प्रीवियस स्लाइड करता हूँ और यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है कि सर्कम सेंटर की जगह अब हमें सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करना है, सर्कम सेंटर के प्लेस पे इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए। सर हाँ सर, ये क्वेश्चन में जब लिखा स्लाइड उसी में एक्स कमा वाई 3, 4 है और पी एच कमा के है। नहीं नहीं नहीं, एक्स वाई 3, 4 नहीं है, एक्स कमा वाई वेरिएबल है। अब तुमसे ये बोला जाए कि 2x + y = 5 एक लाइन है, अब ये लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास करती है, उनमें से एक पॉइंट बता रखा है क्वेश्चन ने। हाँ मतलब वही पॉइंट को अपन 3, 4 दिया है अपन को, और दूसरा एक्स कमा के दूसरा पॉइंट होगा ना, मतलब उस लाइन पे लाई करने वाला दूसरा पॉइंट होगा और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सेम पॉइंट भी हो सकता है, बस लेकिन वो एक सिचुएशन में हो। हाँ सर वही पूछ रहा था, वही पूछना था मेरे को, सेम पॉइंट क्या करने का, कुछ नहीं तो उस केस में अपने आप, मतलब जब तुम चेक करोगे तो ये जो फाइनल अपना आंसर आ रहा है ना लोकस का, ये देखो 3, 4 से पास कर रहा है। बट सर अगर इक्वल पॉइंट्स है, दोनों सेम पॉइंट्स है तो वो इक्वेशन नहीं बन पाएगा ना, मतलब क्यों नहीं बनेगा, जब वो 3, 4 मिड पॉइंट हो गया उस लाइन सेगमेंट AB का, अगर 3, 4 मिड पॉइंट हो गया तो A के कोऑर्डिनेट 6, 0 और B के कोऑर्डिनेट 0, 8 हो गए, तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा OAB। तो हमें वो कट नहीं होगा ना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन में, किसी ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया गया? सर सर तो मतलब वो इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल दिया वैसे? बिल्कुल। तो सेंट्रॉइड जो है वो x1 + x2 + x3/3 ऐसे ही y कोऑर्डिनेट, तो जब हमने सेंट्रॉइड OAB ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लिखा तो सेंट्रॉइड इस तरह से आ गया और इस कोऑर्डिनेट को h, k जो हमने एज्यूम कराए उसके इक्वल कर दिया, तो दोनों साइड के x कोऑर्डिनेट को इक्वल किया तो सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आगे का बिल्कुल मेथड सेम है कि इक्वेशन ऑफ AB लिखा तो वो x/3h प्लस वाई अपॉन 3k इक्वल टू 1 और ये जो लाइन है ये 3, 4 से पास कर रही है, पास कराया तो 3/3h + 4/3k इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से पूरी कैलकुलेशन है, अनिकेत सारा कुछ ऊपर इक्वेशंस पढ़ते हैं वो लोकस ही तो है। अभी हम जैसे नेक्स्ट चैप्टर सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल की इक्वेशन कैसी है, क्या कैसी दिखती है, ये पता कैसे लगेगा लोकस की कंडीशन अप्लाई करके। उसके बाद अपन जब कोनिक सेक्शंस पढ़ेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है, कैसे दिखती है,
इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, ये सारा कुछ लोकस से ही आता है। ठीक है, हाँ हर्षिल मैंने पढ़ लिया और पढ़ के इग्नोर भी कर दिया बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि तुम ज्यादा ही सोच रहे हो डिटेल में, हमें ये जो क्वेश्चन है वो मतलब मेरे ख्याल से वो एब्सर्ड क्वेश्चन है। अब देखो इसमें एक और प्रीवियस पेज प्लीज वेरिएशन आता है, प्रीवियस पेज में शेयर करूंगा ना तो उसमें से नोट कर लेना क्योंकि ऐसे फिर बहुत टाइम लग जाएगा, अपना चैप्टर जो है 10 लेक्चर में होना चाहिए था वो 20 लेक्चर में कंप्लीट होगा। स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, अब इसमें अगर कोई एक पैरामीटर को भी इंट्रोड्यूस कर दें तो फिर लोकस कैसे फाइंड करेंगे और पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करने का मीनिंग क्या है ये अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर ए इज 2,1 P is minus 1,4 and C is 2 sine theta, 3 cos theta where theta is a parameter. अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन ने ट्राइंगल एबीसी में ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए और बी तो फिक्स पॉइंट है लेकिन सी जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है और थीटा पैरामीटर है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पैरामीटर होता है इसका मतलब कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, जब हम थीटा की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो इसका मतलब कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। और अगर एक ट्राइंगल इस तरह से है जिसमें ए और बी तो फिक्स पॉइंट है लेकिन सी वाला पॉइंट जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, ये जैसे जैसे मूव करेगा तो ट्राइंगल अलग अलग ट्राइंगल्स बनते जाएंगे, कभी ये बन जाएगा ट्राइंगल, कभी ये बन जाएगा ट्राइंगल, कभी ये बन जाएगा ट्राइंगल, तो अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे। तो इन अलग अलग ट्राइंगल्स के, इन डिफरेंट ट्राइंगल्स का सेंट्रॉइड भी डिफरेंट पोजिशन पे होगा, दैट मीन्स सेंट्रॉइड अब एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट नहीं है। तो अगर पॉइंट सी मूव करेगा तो अकॉर्डिंगली इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी मूव करेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंट्रॉइड जिस पाथ पे मूव करेगा हमें उस पाथ की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम वही मेथड कि सेंट्रॉइड को h, k एज्यूम कर लिया, अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो कि 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 3, 1 प्लस 4 प्लस 3 साइन थीटा अपॉन 3, इन दोनों को जब इक्वल किया तो x कोऑर्डिनेट से आ गया 3h इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा और 3k equals to 5 plus 3 sin theta। तो हमने h और k को in terms of parameter find कर लिया। इस तरह की situation जब भी parameter के base पे कोई question given है तो हम सबसे पहले तो h और k in terms of parameter find कर लेंगे और अब हमें इन parameters को eliminate करना है, theta को eliminate करना है, बताओ कैसे करेंगे। Come again? Won't it be 3 cos theta? अरे हाँ। So squaring and adding. हाँ, but directly squaring and add करेंगे तो वो theta बच जाएगा। हम पहले क्या करेंगे? कि हमें मतलब जो basic identity जो अपन को पता होती है वो कौन सी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो यूज करने के लिए हम बोलेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन से 3h माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड सेकंड वाले से 3k माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अभी हम स्क्वायरिंग एंड ऐड करेंगे। ऊपर भी कॉस थीटा है, ओके मैंने यहाँ पे साइन लिख लिया। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करके ऐड किया तो फिर हमारे लोकस का आंसर आ जाएगा। चलो आगे तो जो कैलकुलेशन है वो अलग है लेकिन
पैरामीटर वाले क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमने कहा कि मेथड स्टार्टिंग का तो सेम ही है कि जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए उसको एच कॉमा के ले लो, फिर सिंस क्वेश्चन ने जिस पॉइंट का लोकस पूछा है वो पॉइंट सेंट्रोइड है, तो हमने सेंट्रोइड फाइंड किया, यानी कि एच और के को इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड कर लिया। एच और के को इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड करने के बाद हमने कहा कि जब भी पैरामीटर के टर्म में क्वेश्चन की बात है तो हमें लोकस फाइंड करने के लिए उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। अब वो डिपेंड करता है कि पैरामीटर किस फॉर्म में गिवन होगा। अभी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा था, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने इस मेथड से पैरामीटर को एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में और लिखता हूं, तो मैं पैरामीटर पे बेस्ड तुम उस क्वेश्चन का लोकस बताना। सर इवन हियर वी डोंट हैव टू गो फर्दर राइट, जस्ट एंड हियर। पार्डन सर, इवन हियर वी डोंट हैव टू find the actual answer, right? You can just stop at the square answer. Again, this all depends upon the options, because अपना paper objective paper है. अगर option ने इसको further simplify करके बोल रखा है, तो हमें simplify करना ही होगा. वो तो सारा कुछ option पे depend करेगा. मतलब पहले यहाँ पे check कर लो कि exactly इस form में कोई option लिखा है कि नहीं लिखा. अगर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं देख के समझ आ जाएगा कि squaring open कर रखी है कि नहीं कर रखी है. अपन accordingly solve कर लेंगे. लास्ट में लिखा है पैरामीटर। जिसका भी आंसर है बताना। x minus 2 is equal to 4y square minus 2 plus 1. Okay. So, we have a midpoint use karenge. So, a or b ka midpoint. t square plus 2 upon 2 or t plus 1 upon 2. So, hum fir h aur k ko in terms of parameter find kar lenge. ठीक है, अब हमें इन दोनों से t को एलिमिनेट करना है, तो यहां से सेकंड जो इक्वेशन है इससे t की वैल्यू 2k माइनस 1 आ रही है, ये इक्वेशन हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। टू वाई की जगह बस 4y आएगा, ठीक है, नहीं x की जगह भी 2x आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक बार देखना, कोई किसी को कोई भी स्टेप पूछना है। स्टेप 1 हमने डायग्राम बनाया, स्टेप 2 मिड पॉइंट लिखा, मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया, कैलकुलेशन करी और फाइनल आंसर लिखा। इन 5 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप जिसका लोकस चाहिए। ठीक है, एंड सर मतलब फोर्थ स्टेप जैसे अपन करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन
तो पूरा इक्वेशन एच ऑफ के फॉर्म में मिल गया, तो अपन बोल सकते हैं कि अपन इससे लोकस फाइंड करेंगे, अपन को सिंपलीफाई करने से होता है। हां हां बिल्कुल बिल्कुल पैरामीटर से होता है। सर हां सर, तो हम बेसिकली पीबी लाइन का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं ना? नहीं, ये वाला जो पी है, ये वाला जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है। इसका मतलब अगर टी वन होगा तो बी पॉइंट बिकम्स 1, 1। बी अगर टी अगर टू होगा तो पॉइंट बी बिकम्स 4, 2। ऐसे अलग अलग में कभी ये 9, 3 बन जाएगा एंड सो ऑन। तो बी की अलग अलग पोजिशन होगी। अब मैं इस चीज को आगे नेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें, हमने जो आंसर फाइंड किया वो किसका आंसर है। ए तो एक फिक्स पॉइंट है सर, शो प्रीवियस स्लाइड। एक मिनट, बी वाला पॉइंट कभी 1, 1 हो सकता था, बी वाला पॉइंट कभी 4, 2 हो सकता था, बी वाला पॉइंट कभी 9, 3 हो सकता था एंड अलग अलग। बी वाला पॉइंट 0, 0 भी हो सकता था अगर हम टी को 0 ले लें। तो हमें इन सब के जो मिड पॉइंट्स हैं उनका लोकस फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट यहाँ 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 इस तरह से लाई करेगा। तो हमने इस वाले कर्व की इक्वेशन फाइंड करी जो ब्लू में मैंने बनाया है। तो सर्कल भी बन सकता है ना? इन दिस केस बन नहीं रहा सर्कल, पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बन सकता है। तो मतलब वो सब उसके पार्टिकल घूमेगा ना वो पांच पे। हर्षल तुम्हारा ऑडियो डिस्टर्ब है। अभी ये नोट कर ले जिसने भी, जिसको भी नोट करना है। तो ये अपना इसी के साथ लोकस भी कंप्लीट है। और लोकस में अपन को बस इतना ही समझना है, द ब्लू लाइन यू ड्रॉ इन दैट लाइन पार्टिकल। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट एंड लाइन। हाँ बस लोकस खत्म है, लोकस में और कुछ भी नहीं है। और अभी तक जो अपन ने पढ़ाया ना सर, शो प्रीवियस स्लाइड पे। This one? Sir, before this. Before this. इससे पहले तो ये था। Okay sir, done sir. I have written this. अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे तुम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज 1-4 सॉल्व कर सकते हो। कंप्लीट जो भी पेंडिंग था पहले वो सारा कर लेना 1-4। और एक्सरसाइज 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, इन चैप्टर पूरा नहीं आ रहा हर्षल, हमारा ऑडियो नहीं आ रहा। किसी और के पास अगर हर्षल का ऑडियो आ रहा है तो बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ फुल 1-4 बिल्कुल, हमने सारे पॉइंट्स 1-4 में कवर कर लिए हैं। और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 50। तो अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट डिस्कशन क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, उसमें अपन ये डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन का पहले मैं मीनिंग समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे जो फॉर्मूले हैं वो नोट कर दूंगा। कि अपने पास अब ऐसी सिचुएशन है कि एक तो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, लेट से दिस लाइन इज ax plus by plus c equal to 0, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। मान लिया कि पॉइंट जो है वो x1, y1 है। अब इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि इस पॉइंट p की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि पी एंड डिस्टेंस फाइंड करनी है। सेकेंड क्वेश्चन कि पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट n को अपन बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड थर्ड क्वेश्चन कि पॉइंट p का गिवन लाइन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लें, मतलब कि हम लाइन को मिरर मान लें और इस मिरर के अबाउट पॉइंट p का रिफ्लेक्शन जो मैंने भी डायग्राम में p डैश से रिप्रेजेंट किया है, तो p डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है, तो तुम लोग एक बार सोच के बताओ कि कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स, पी एंड डिस्टेंस और पी नहीं हर्षिल, ये लाइन ऐसा थोड़ी कि एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। मान लो एक्स और वाई एक्सिस तो ऐसे कुछ है।
अच्छा अब इसमें अप्रोच कैसे होगा, तुम ये सोचो पहले तो अगर हमें किसी भी मेथड से पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इसकी हेल्प से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले देखना कि अगर मान लो हमने किसी मेथड से पॉइंट एन फाइंड कर लिया तो पी एन डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, करेक्ट। ये बताओ कि पी डैश यानी कि रिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट है उसके उसका आंसर कैसे फाइंड करोगे, हमें एन पता है हमें पी पता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से बिल्कुल कि जो एन होगा वो पी और पी डैश का मिड पॉइंट होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन ओनली वन क्वेश्चन बचा कि इस एन के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे इस इंफॉर्मेशन से, कोई बता सकता है? तो मेथड ये है इंटरसेक्शन, करेक्ट, बिल्कुल हमने बिल्कुल सही बोला है और जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने सही बोलते हैं वो लोग कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे पी एन लाइन और गिवन लाइन का। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले पी एन लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। पी एन लाइन कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो क्वेश्चन ने बता रखा है। सिंस हमें इस लाइन का स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस वन से मिल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन को और इस लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो फिर जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब बात क्या है कि अगर हम ये सारा डेरिवेशन एग्जाम में करने बैठेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लग जाएंगे। तो हमें अब एग्जाम के पॉइंट से इन तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे कि हम विद इन 2 मिनट्स एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो फर्स्ट जो है कि परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर लेना चाहिए, बट अगर कभी भी वर्ड परपेंडिकुलर नहीं लिखा हुआ है ना तो हम डिस्टेंस को परपेंडिकुलर ही लेंगे। जो हमने अभी मेथड डिस्कस किया उससे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर हमें इस फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना है। सर आप एक बार दिस इज फर्स्ट स्लाइड ऑफ पॉइंट एंड लाइन। हाँ दिस इज फर्स्ट स्लाइड। अभी कोई क्या बोलता है एक बार क्या अब एक बार देखना, बाद में नोट कर लेना अगर नोट कर रहे हो तो, कि यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें क्या किया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। तो ए बी सी तो ऑलरेडी गिवन नंबर्स होंगे लाइन की इक्वेशन में, और एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनके प्लेस पे हमने एक्स वन और वाई वन नंबर्स रख दिए। तो न्यूमरेटर एक नंबर आ जाएगा और डिनोमिनेटर क्या है कि एक्स का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये दोनों ही एक नंबर आ जाएंगे, मतलब दो नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फाइंड कर लेंगे। सेकंड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि इस पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या लिखा है अपन ने कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टाइम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कॉमन मिस्टेक होता है कि जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तब तो स्क्वायर रूट आता है, लेकिन जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो कई बार अपन गलती से स्क्वायर रूट लगा लेते हैं यहां भी क्योंकि यहां पे लग रहा है, तो यहां पे नहीं है, ध्यान रखना है। और अब अगेन कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने बोला कि एक्स वन और वाई वन गिवन नंबर होगा
तो उससे तो हमारा ये पूरा की पूरा जो ब्रैकेट है वो एक नंबर बन जाएगा, ये एक नंबर बन गया, x1 गिवन है, a गिवन है, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू सम नंबर, मान लो x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 5, ऐसे आ गया। तो यहां से सॉल्व करके जो x आएगा वो n पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही जो y में आएगा वो n पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो हमारे पास रूट आता है डिनोमिनेटर में, लेकिन जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता है। और थर्ड पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्शन का है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पी अबाउट गिवन लाइन, ये फाइंड करने के लिए हम सेम टाइप का फॉर्मूला है जो हमने अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर में लिखा था, बट एक्स्ट्रा एक टू आ जाता है। ठीक है, मैं अभी जिससे कि क्लियर क्लैरिटी रहे मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर इसमें जो आगे का नोट है वो लिखाऊंगा बाद में। नोट क्वेश्चन क्या कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड रिफ्लेक्शन। कैन यू गो टू लास्ट स्लाइड? एक मिनट, अभी मैं लास्ट वाले फॉर्मूले वापस यहां लिखूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी अबाउट लाइन 3x प्लस 4y माइनस, तो मान लो हमने पॉइंट ले लिया 2, 3, तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 6 + 12 = 18 18। हाँ, अब एक बार पी डैश एन एंड पी एन इक्वल हैं, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट स्लाइड जो है वो एक बार देख लो कि अगर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पी गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो हमने थ्री टाइप के इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करने का फॉर्मूला लिखा है। इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स, और लास्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जो है ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एज इट इज है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टू लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन में ये वाला टू बस एक्स्ट्रा है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये टू नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का के तीनों आंसर्स तुम्हें बताने हैं। हाँ सर, हमको अगर n का मालूम पड़ गया कोऑर्डिनेट्स और उनको भी अपन को टेस्ट पॉइंट्स मिल गए, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। अभी तो मैंने कहा तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं, पर जनरली जैसे मान लो अलग अलग क्वेश्चन ने अलग अलग पार्ट पूछा है तो फिर अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर देंगे, बट ऑब्वियसली अगर तीनों ही पार्ट पूछे हैं तो जो तुमने बोला वो सही है, तो pn और तो pn डैश n भी तो इक्वल हो गए। हां तो यहाँ पे x1 और y1 2, 3 बोले हैं, ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट आ रहा है, ठीक है। a और b और c, ये a है, ये b है और ये c है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लोगों ने आंसर दिया है, दोनों का 5 आ रहा है, करेक्ट है। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और राइट साइड में 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 4 = 12 + 7 25 न्यूमरेटर आ रहा है और 25 बाई चांस 25 ही डिनोमिनेटर आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर राइट साइड का -1 बन गया, तो सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू 2 - 3 एंड y इज इक्वल टू 3 - 4।
Sir, I didn't understand how you substituted x minus 2 divided by 3 into x is equal to 2 minus 3. I have equated this number. Yes. Sir, both of them x and y. From this and this, we'll get x, and from this and this, we'll get y. But how do you do that? Just calculation it way. Somewhere it should be divided by 3, right? If you're, giving us 2 minus 3, it should be 3x, right? Here it is, x minus 2 upon 3 is equal to minus 1. Therefore, x Sir. Minus 2 is equal to minus 3. Therefore, x is equal to 2 minus 3. Got okay, it? Sir. Huh. तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट हमने इस तरह से फाइंड कर लिए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो कौन सा नंबर कहां से लिया है, और सिद्धांत ने रिफ्लेक्शन का आंसर बोला है -4, -5। और कोई कंफर्म करो, अहान का -4, -5। ओके, श्रेयस का भी सेम। ओके, -4, -1 नहीं आ रहा, -4, -5 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। यस सर, डन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्या था, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, x माइनस डिस्टेंस इनटू 2 करेंगे तो हो जाएगा ना? नहीं तो उससे तो डिस्टेंस आएगा ना, पॉइंट कैसे आएगा? सर फॉर्मूला तो सेम ही है ना, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन। हां बिल्कुल उसी से यूज करेंगे, लेकिन मैंने भी यही बोला कि यहां पे मतलब इसको जो तुमने बोला है वो मतलब बात तो ठीक है, बट हम इस नंबर को डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज डिस्टेंस जब बोलेंगे तो डिस्टेंस में तो रूट आ जाता है। नहीं सर, मैं डिस्टेंस नहीं बोल रहा था, मैं बस वो नंबर का डबल कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, हां वो नंबर का डबल कर देंगे। शो द प्रीवियस स्लाइड प्लीज। तो जब हम रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो यहां पे जो ये नंबर लिखा है इसकी जगह 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा तो फिर इसके प्लेस पे -2 आ जाएगा, और इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट -4, -5 आ जाएगा। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, और जितने तुम लोग जिनको ये चीज क्लियर है ये सॉल्व करो कि फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2, 3 अबाउट लाइन y इक्वल टू x। सभी लोग कैलकुलेशन करो इस क्वेश्चन की प्रॉपर, और आंसर बताना। श्रेयस ने बोला है आंसर ठीक है। (3, 2) करेक्ट आंसर है। तो एक बार ये वाला स्लाइड देखो जिसको देखना है। सर प्लीज शो दी स्लाइड बिफोर दिस। बिफोर दिस, बिफोर दिस तो ये था। ये हमने जो श्रेयश जो पॉइंट फाइंड किया है 3, 2, ये p' के ही कोऑर्डिनेट्स हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में।
ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें अपन क्या करेंगे, मतलब ये मैंने इस लिखा क्यों है, इसका मेन पर्पज है कि जो y इक्वल टू x लाइन है इसको हम या तो x माइनस y इक्वल टू जीरो यूज करेंगे या y माइनस x इक्वल टू जीरो यूज करेंगे, लेकिन कोई एक ही यूज करेंगे, मिसमैच नहीं कर देना कि कभी ये ले लिया और कभी ये ले लिया, नहीं, मतलब साइन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमने अगर लाइन को x माइनस y इक्वल टू जीरो लिया तो हमारा आंसर, अब मतलब मैं बेसिक से कंपेयर करूं तो a इक्वल टू वन है, b इक्वल टू माइनस वन है और c इक्वल टू जीरो है, और ऑब्वियसली x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a x1 माइनस b y1 यानी कि माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2। तो ये नंबर जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद 1 आ रहा है, तो हम अगर x की वैल्यू लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि p डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3, 2 आ जाएंगे, जो काफी सारे लोगों ने आंसर बोला भी है। अब इसमें ये एक इस क्वेश्चन का जो दूसरा पर्पस कि हमें अब ये ऑब्जर्वेशन एग्जाम के पॉइंट से याद भी रखना है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी लाइन y इक्वल टू x गिवन होगा ना तो a कॉमा b का रिफ्लेक्शन ऑलवेज b कॉमा a आ जाएगा। तब जब भी लाइन y इक्वल टू x होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ a कॉमा b इज b कॉमा a। तो हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपन को काइंड ऑफ 1 मिनट लगा था, अगर क्वेश्चन ने यही लाइन बोल दिया तो एग्जाम में हम विदिन, फिर तो पेन चलाना ही नहीं है, सीधे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं भी नोट भी कराऊंगा, बट एक बार ये यहाँ तक ये जो सॉल्यूशन है सब लोग देख लो, समझ लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये चीज अपन नोट कर लेते हैं जो मैंने भी बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। लास्ट वाले क्वेश्चन ने एक पॉइंट दे रखा था और उसका y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करने बोला था, जो हमारा आंसर पॉइंट जो था वो 2, 3 था, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट का आंसर 3, 2 आ गया था। और वो हमने कहा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट a कॉमा b अबाउट लाइन y इक्वल टू, या ऐसा करता हूं मैं इसी में तीनों पॉइंट लिख देता हूं, अबाउट फर्स्ट सिचुएशन लाइन y इक्वल टू x इज b कॉमा a, सेकेंड सिचुएशन अबाउट x एक्सिस, तुम लोग बताओ आंसर a कॉमा b पॉइंट का अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होगा, a कॉमा b का अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होगा। फॉर्मूले से नहीं जाना है, सोच के बताना है x y प्लेन में। सिद्धांत ने बोला माइनस ए कॉमा, अरे सबने अलग अलग आंसर दे दिया, तो अभी वृष्टि अथर्व एंड अच्छा सभी लोगों का आंसर आगे जाके सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा, सिंस एक्स एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो a कॉमा माइनस भी हो जाएगा, एंड थर्ड पॉइंट कि रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट y एक्सिस ये माइनस a कॉमा प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को एग्जाम के पर्पज से डायरेक्टली याद रखने हैं जिससे कि एग्जाम में टाइम ना लगे। सेकंड पॉइंट, ये मुझे श्योर नहीं कि मैंने पहले नोट करवाया कि नहीं कराया, कि अगर हमें दो लाइंस गिवन है विच आर पैरेलल लाइंस तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा था क्या अपन ने, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर, ओके जब हमने पैरेलल लाइंस पढ़ा था, तो अगर नोट नहीं किया था तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस a1x प्लस b1y, इसको मैं 1 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपन को क्योंकि पैरेलल है, तो ax
plus b y plus c 1 equal to 0 and a x plus b y plus c 2 equals to 0 is equal to Yes, sir, we have done this once, I remember. ये किया है अपन ने सर वी आर डन पैरेलल एंड आई रिमेंबर दिस लाइक दिस फॉर्मूला वाज नॉट गिवन ओके ठीक है अभी नोट कर लिया अपन ने थर्ड पॉइंट सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना Since lines are parallel lines, हाँ वृष्टि is origin के about भी अगर पूछ लिया मैं अभी एक एक करके आंसर बताता हूँ एक तो बोला कि perpendicular distance देखो अगर lines parallel lines हैं तो हम हमने कहा कि distance जब भी word use करेंगे हम उसका मतलब perpendicular distance से लेंगे और ये सारे के सारे distances जो हैं वो perpendicular distances हैं तो हम इसी की बात कर रहे हैं ठीक है सेकेंड चीज कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी अबाउट पॉइंट ए कॉमा बी अबाउट ओरिजन तो तुम लोग बताओ आंसर क्या आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी अबाउट ओरिजन माइनस ए कॉमा माइनस बी एक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है वो ओरिजन के अबाउट रिफ्लेक्ट होगी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो x कोऑर्डिनेट के आगे भी नेगेटिव आ जाएगा y के भी आगे नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस ए कॉमा माइनस बी आंसर आ जाएगा थर्ड ये वाला केस कि इफ हम अगर अपन को एक पैरेललोग्राम की चारों साइड्स दे रखी हैं तो एरिया अगर फाइंड करना है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं हूज साइड्स आर y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस इनफैक्ट मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे कि क्लैरिटी रहे अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो लाइन की इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को हमें पॉइंट सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर नहीं गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है ठीक है सेकेंड थिंग जो हमें ऑलरेडी पता है कि सिंस ए बी एंड सी डी लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स तो इन दोनों का स्लोप भी सेम ही होगा ऐसे ही दीज टू लाइन्स आर पैरेलल तो इन दोनों का स्लोप भी अपन ने सेम ही लिया है तो लाइन पैरेललोग्राम बना रही है चारों मिलके तो हमने यहाँ पे c1 माइनस c2 का मतलब अपोजिट साइड इस साइड और इस साइड का जो y इंटरसेप्ट आ रहा है उनका उनको एक ब्रैकेट में रखा है उनके डिफरेंस को ऐसे ही इन दोनों के y इंटरसेप्ट के डिफरेंस को एक ब्रैकेट में रखा है और जो दो ही स्लोप होंगे अपने पास एक m1 स्लोप और एक m2 स्लोप तो इन दोनों को हमने डिनोमिनेटर में नीचे रखा है तो फॉर्मूला जो है वो हमें इसी तरह से याद रखना है कि अपोजिट सबसे पहला स्टेप कि जो दोनों जो चारों लाइंस हैं उन लाइंस को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अगर नहीं है तो फिर सेकंड चीज कि जो फॉर्मूला है उसमें पैरेलल लाइंस के वाई इंटरसेप्ट को एक ब्रैकेट में रखना है तो ए बी और सी डी का वाई इंटरसेप्ट सी वन माइनस सी टू बी सी और ए डी का वाई इंटरसेप्ट डी वन माइनस डी टू और डिनोमिनेटर में एम वन माइनस एम टू तो ये अपन को स्लोप सॉरी ये अपन को पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा ठीक है सर हाँ सो वी कैन डू एनीथिंग ना डी टू माइनस डी वन आल्सो सी टू माइनस सी वन क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर्षल स्टेप्स की जगह हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही जब करेंगे ना तो इसमें कवर हो जाएगा ये तो मैं अभी तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले तो एक पैरेलल लाइंस का लिखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन फाइंड अच्छा एक और पॉइंट देखना मैंने लास्ट में उस टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था कि हमने जब ये पॉइंट नंबर टू लिखा है ना तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो दोनों लाइंस गिवन है
ये दोनों लाइंस में एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम हो, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अगर डिफरेंट है तो सेम बना लेने हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and 4x plus 6y minus या equal to 1. अभी first thing कि these two lines are parallel lines, is it clear? These two lines are parallel lines because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. ठीक है, बट अभी हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 और 6 है। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट लाइन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 4x plus 6y equals to minus 8 एंड सेकेंड लाइन एज इट इज 4x plus 6y equal to 1। अब जाके हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c1 minus c2 upon root over a square प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जब दोनों जगह 4 6 4 6 बना लिया तभी जाके हमने फॉर्मूला यूज किया। हाँ तो पैरेलल, ये भी तो पैरेलल है लेकिन कोफिशिएंट्स तो अलग अलग हो ही सकते हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या पैरेलल है तभी हम उसको वही वाला फॉर्मूला। नहीं नहीं, इस वाले क्वेश्चन ने पैरेलल वर्ड कहाँ यूज किया है, तो हमें तो जब हमने लाइन की इक्वेशंस को देखा तो समझ आया कि लाइंस आर पैरेलल। टू लाइंस को हम पैरेलल कैसे चेक करते हैं, इससे a1 upon a2 equals to b1 upon b2 और पैरेलल और डिस्टिंक्ट हैं तो c1 upon c2 not equal, तो यहां पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देयरफॉर दीस लाइंस आर पैरेलल। और सिंस लाइंस आर, अच्छा एक जस्ट डिफरेंट क्वेश्चन कि अगर मान लो कोई ऐसी दो लाइंस दे रखी हैं जो पैरेलल नहीं है, मतलब ऐसे है कि x plus y equal to 5 and 2x plus y equal to 7, obviously these lines are not parallel lines, सबको क्लियर है। और क्वेश्चन बोला कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कितना होगा, जीरो, बिकॉज ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पैरेलल लाइंस नहीं देता है तो फिर क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं कभी, बिकॉज उस सिचुएशन में लाइन कुछ भी दे दिया जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही आ जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस गिवन है, तो बस हमने बोला कि अगर लाइंस पैरेलल गिवन है तो उनके एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम बना लो, जिससे कि फॉर्मूले में हम जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो हम सेम यूज कर पाए। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम 2 और 3 रखते और यहाँ पे 4 6 रखते तो फिर हमें ये नहीं समझ आता कि नीचे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखें, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखें। नीचे कितना हो गया, 30 प्लस 40 प्लस 52, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अभी किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है? 13 पूछ सकता है सर, 9 बाय 2 रूट 13। हाँ 9 बाय 2 रूट 13 में भी छोड़ सकते हैं क्या? सर आपकी आवाज कट रही है। 9 बाय 2 रूट 13 भी लिख सकते हैं। अगेन रिपीट द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस। ओके सर, थैंक यू। एक बार देखो कि हमने जो ये जो केस लिखा है इसमें हमने बोला कि जो लाइंस गिवन है वो फर्स्ट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है एंड सेकेंड लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था तो इन दोनों लाइन के एक्स और वाई के कोफिशियंट्स को हमने ए और बी ही लिया है, तो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन कोफिशियंट्स ऑफ बोथ द लाइंस आर सेम। ठीक है, बट जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें क्वेश्चन ने तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन में 2 और 3, सेकंड लाइन में 4 और 6 दे रखा था, तो ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते c1 माइनस c2। तो हमने क्या बोला कि या तो फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो या सेकंड लाइन को 2 से डिवाइड करो, जिससे कि कोफिशिएंट एक्स वाई के सेम बन जाए। तो अभी हमने फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो लाइन ये बन गई। अभी इन दोनों लाइन में कोफिशिएंट सेम बन गए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमने जो c1 c2 यूज किए हैं
वो या तो इन दोनों कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में ले जाओ या दोनों कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ, ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट में एक राइट में, ऐसा नहीं। तो अभी हमने दोनों को राइट साइड में ले लिया, ठीक है, और फिर अब C1 is equal to minus 8, C2 is equal to plus 1. तो C1 minus C2 upon root over A square plus B square. हाँ बिल्कुल, हर्षिल ने जो बोला ठीक है। तो अभी कोई और डाउट किसी को लास्ट वाले क्वेश्चन में? ठीक है, चलो फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन एरिया वाला, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो जो भी नोट करना जल्दी से नोट करो, जिन लोगों ने ऑलरेडी नोट कर लिया वो वापस से देख लो कि जब हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है, सारी लाइंस को, तब जाके हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे विच इज C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है सर। सर हाउ डिड यू डिराइव द डिस्टेंस वाला फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला फार्मूला? सोच के बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का कैसे आया होगा फार्मूला? बहुत सिंपल है, सभी लोग जितने सोचो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका डेरिवेशन क्या रहा होगा? किसी को समझ आएगा कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बना? देखो एक बार देखो बोर्ड पे कि यहाँ पे अपन को ये लाइन, मान लो जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये 2x plus 3y plus 4 equal to 0 है और ये 4x plus 6y equals to 1 है। तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट, हम -2, 0, देखो y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -2 आ रही है, तो -2, 0 ले सकते हैं, कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, और फिर हमने इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर ली जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो ये जो डिस्टेंस होगी वही इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं डिस्टेंस फाइंड करिए, स्लोप्स नहीं। इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया, एनी वन फिक्स पॉइंट, और उस पॉइंट की सेकेंड वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर ली तो हमें इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करना है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अभी जो लाइंस गिवन है वो जनरल फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट कन्वर्ट दीज लाइंस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, करो कैलकुलेशन। तो देखना y equals to mx plus c में कन्वर्ट करने के लिए y को एक साइड ले आए और y का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, तो सारी लाइंस y equal to mx plus c वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब तुम लोग मुझे बताना कि c1 minus c2 के लिए कौन कौन से नंबर्स क्या क्या हैं, c1 क्या लें और c2 क्या लें? c1 minus 4 by 3 और c2 कितना? 5 by 3। ये इंपॉर्टेंट है कि जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके कॉन्स्टेंट्स को लेना है एक साथ, L1 L2 का नहीं लेना है, L1 L3 का लेना है। तो C1 is minus 4 by 3 and C2 is plus 5 by 3, तो C1 minus C2 becomes this number। ऐसे ही D1 minus D2 is equal to minus 1 minus 7 and M1 minus M2 कितना ले? M1 कितना?
m1 is 2 by 3 and m2 is minus 3. So m1 minus m2 becomes 2 by 3 plus 3. वेदांत का आंसर 9 आ रहा है. और फिर कंफर्म करो ये कितना आ गया, माइनस 5 प्लस 4 यानी कि 9 अपॉन 3 इंटू 8 24 और डिनोमिनेटर इज 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 बाय 3 24 इंटू 3 अपॉन 11 यानी कि 72 बाय 11 हाँ 72 बाय 11 आ रहा है क्रिस्टी का जो आ रहा है. ठीक है तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही रखेंगे. बट लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार देखो सभी लोग कि हमने पहले लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर C1 माइनस C2 जो पैरेलल लाइंस थी ना L1 एंड L3 उनके कांस्टेंट्स को लिया है और D1 माइनस D2 जो दूसरी पैरेलल लाइंस का पेयर है L2 एंड L4 उनके कांस्टेंट्स को लिया है. ठीक है और अभी जो मैंने होमवर्क बताया था इन चैप्टर एक्सरसाइज 1-4 कंप्लीट. एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक जो भी अपन ने नहीं पहले डिस्कस किया है वो सारे सॉल्व कर लेना. तो नेक्स्ट वीक में जो भी अपने डाउट क्लास लगेगी हम ये डिस्कस करेंगे. सर दिस इज लास्ट राइट. दिस इज लास्ट राइट. यस दिस इज लास्ट राइट. सर कैन यू रिपीट व्हाट यू हैव टू डू इन चैप्टर एक्सरसाइज 1-4 एंड एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 50. ओके सर. A variable point, Herschel, is a point which moves. जैसे 2.3 जो है, 2.3, this is a fixed point. इसको move नहीं कर सकते, ये fix हो गया xy plane में. But अगर हम बोलें कि जैसे हमने लिया था कि sin theta, cos theta, where theta is parameter, तो theta की value तुम 0 put करोगे तो point 0.1 बन जाएगा. Theta की value तुम pi by 2 put करोगे तो point 1.0 बन जाएगा. Yes, you can leave. तो इस तरह से वो point जो theta की different values के लिए different positions ले रहा है, that is called variable point. ठीक है तो चलो अपन फिर इसके बाद next class में continue करेंगे. Okay, goodbye everyone.